चंद्रमा के लाखों किलोमीटर के सफर पर निकले भारत के चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम के चांद की सतह से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर आकर खो जाने पर देश ही नहीं पूरी दुनिया में लोगों में निराशा छाई हुई है। निराशा से इस माहौल में भी पड़ोसी मुल्क के राजनेता जहर उगलने से बाज नहीं आए। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खात्मे से निराश चल रहे पड़ोसी मुल्क के विज्ञान और टेक्नोलॉजी मंत्री फवाद चौधरी ने तंज भरे कई ट्वीट किए हैं। फवाद ने इन ट्वीट पर उन्हें भारत ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क से भी करारा जवाब मिला है। चंद्रमा की सतह से ठीक पहले विक्रम के खो जाने से एक ट्वीट पर फवाद चौधरी ने लिखा, जो काम आता नहीं पंगा नहीं लेते ना डियर इंडिया। फवाद चौधरी ने एक भारतीय ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा है कि सोजा भाई, चंद्रमा की बजाय मुंबई में उतर गया है खिलौना। पड़ोसी मुल्क मंत्री फवाद चौधरी के इस ट्वीट के बाद ट्विटर पर कमेंट की बाढ़ सी आ गई। एक यूजर बाला ने लिखा कि तुम पड़ोसी मुल्क के लोग के सिर्फ बकरियों और टमाटर के सपने देखो, जाओ और दुनिया में हर एक राजधानी में भीख मांगने का काम जारी रखो। जबकि एक दूसरे यूजर ने पड़ोसी विदेश मंत्री के रात 3 बजे तक जागने पर मजे लिए और उन्होंने लिखा कि सबसे मज़ेदार बात यह है कि चंद्रयान 2 ने फवाद चौधरी को रात भर जागने के लिए मजबूर कर दिया। फवाद चौधरी के इस ट्वीट की खुद पड़ोसी मुल्क के लोगों ने भी आलोचना की। सुलेमान ललवानी ने लिखा कि पड़ोसी मुल्क की ओर से माफी, फवाद का ट्वीट दुर्भावना से ग्रस्त था। जबकि एक दूसरे पड़ोसी मुल्क के सैयद बिलावल कमाल ने लिखा कि फवाद चौधरी हमारे लिए शर्मिंदगी की वजह न बने, कम से कम भारत ने चांद पर उतरने का प्रयास किया, हमें किसी भी देश के वैज्ञानिक प्रयास की प्रशंसा करनी चाहिए और उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। बता दें कि पिछले दिनों फवाद चौधरी ने घोषणा की थी कि पड़ोसी मुल्क अपने करीबी सहयोगी चीन की उपग्रह प्रक्षेपण सुविधा का इस्तेमाल कर 2022 में अंतरिक्ष में अपना पहला अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। चौधरी ने एक ट्वीट में कहा कि ये घोषणा करते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि अंतरिक्ष में पहले पड़ोसी मुल्क को भेजे जाने की चयन प्रक्रिया फरवरी 2020 में शुरू की जाएगी। उसके लिए 50 लोगों को एक सूची तैयार की जाएगी, उसके बाद सूची के नामों को घटाकर 25 किया जाएगा और 2022 में हम अपने पहले व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेजेंगे। ये हमारे देश का सबसे बड़ा अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा। द डेली न्यूज रूम की रिपोर्ट।